हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं करूंगी राधा का मेकअप। आप लोगों ने काना के मेकअप का वीडियो तो देख ही लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग फटाफट से वो वीडियो भी देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काना की पगड़ी कैसे पहनाते हैं दुपट्टे से, और काना की धोती कैसे पहनाते हैं वो भी दुपट्टे से। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने धोती पहनाना और दुपट्टा वो पगड़ी पहनाना, मैंने दोनों को बहुत ही ईजी तरीके से बताया। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम जन्माष्टमी पर अपने बच्चों को काना के रूप में और राधा के रूप में मेकअप करते हैं, लुक देते हैं राधा और कृष्ण का, तो पगड़ी पहनाना और धोती पहनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया है। तो जब हम बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में मेकअप करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग किस तरीके से घर पर ही मैनेज करके या घर पर जो भी हमारे पास सामान होता है उसी से जुगाड़ करके हम लोग मेकअप कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मेकअप का सामान तो हमारे पास होता ही है। दूसरा, जो राधा की ज्वेलरी है इसमें वो फूलों वाली है, फूलों से हम ज्वेलरी घर पर भी बना सकते हैं अगर हमारे पास फ्लावर हैं छोटे छोटे तो। और अगर आजकल रेडीमेड मार्केट से भी मिल जाती है इस तरह की ज्वेलरी, और काफ़ी सस्ती मिल जाती है, तो हम लोग बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बस इसमें ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी मेकअप हम लोग घर से करेंगे, बाकी और कोई सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मैंने कृष्ण का मेकअप भी बताया है, उसमें मैंने मोरपंख और बांसुरी ली है, बाकी सारा ही सामान मैंने घर से इस तरीके से एडजस्ट करके उनका भी मेकअप किया। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वैसे तो हमारी राधा रानी वैसे ही बहुत सी क्यूट सी है, और लेकिन राधा का मेकअप करने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने राधा का जो है हेयर स्टाइल तैयार किया है। हेयर स्टाइल में जैसे सीरियल चल रहा है राधा कृष्ण का, तो उस तरीके का लुक दिया है मैंने राधा को भी, और कृष्ण का वीडियो भी मैंने उसी लुक में दिया था, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट से कर लिया है फ्रेंच चोटी कर ली है, और साइड दोनों साइड से मैंने दो चोटी वाला लुक दिया है सिंपल चोटी बना करके। उसके बाद जो इनका ड्रेस है वो तो इनका खुद का ही जैसे फ्रॉक होते हैं बच्चों के, इस तरीके का ही पहनाया हुआ है। काफ़ी लॉन्ग था तो स्कर्ट का भी काम कर रहा था। वैसे अगर हमारे पास बच्चों की कोई ड्रेस है लहंगा वगैरह है तो हम लोग वो भी पहना सकते हैं, और सिंपल चोटी कर लेंगे। उसके बाद हेयर स्टाइल के बाद मैंने क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पर क्या किया है, फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, हल्का सा मॉइस्चराइज किया था। उसके बाद मैंने हल्की सी फाउंडेशन लगाई है। फाउंडेशन के बाद हम लोग हल्का सा लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी हमारे पास होता है उससे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। बस सिर्फ दो चीज़ें लगाई है मैंने यहाँ पर, हल्का सा फिटमी का फाउंडेशन था वो लगाया है, उसे ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने लूज़ पाउडर से उसे सेट कर दिया बहुत ही हल्की सी क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लिया, बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर नहीं लिया, बस हल्की सी फिनिशिंग दी है। उसके बाद बहुत ही लाइट सा मैंने जो है आईज मेकअप किया है, उसमें मैंने पिंक कलर यूज किया है आईज मेकअप में। इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे पहले अपने जो है फेस को बिल्कुल क्लीन करके। सॉफ्ट सी स्किन होती है बच्चों की तो ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दो ही चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई है। तो उसके बाद मैंने हल्का सा आई शेडो का यूज किया है, लाइट पिंक कलर लिया है मैट में, और बस एक ही कलर यूज किया है, उसके ऊपर हल्का सा आई बॉल पर शिमर लगा दिया है। बस इतना सा काफ़ी है, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा मैंने पिंक कलर लगाया, उसके बाद मैंने आई बॉल पर फिंगर से ही शिमर लगा दिया है हल्की सी शाइनिंग के लिए। उसके बाद लाइनर लगा देंगे, लिक्विड लाइनर लगाया है क्योंकि जेल लाइनर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि बच्चों की स्किन जब आंखें साफ करेंगे तो थोड़ा सा क्योंकि वाटरप्रूफ होता है तो इजीली उतरता नहीं है, रगड़ना पड़ता है, तो कोई भी वाटरप्रूफ जो है लिक्विड लाइनर ले लेंगे जो कि इजीली उतर जाए। फिर मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लगाई है, न्यूड शेड है, आप जो भी रेड कलर या जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का लिपस्टिक शेड लगा सकते हैं। बस हो गया हमारा राधा का मेकअप। उसके बाद हम लोग पहनाएंगे ज्वेलरी जो कि मैंने बाज़ार से परचेज की हुई है। इसमें टीका भी आता है गले का भी, और इयररिंग्स भी आते हैं, और कड़े भी आते हैं जो हाथों में चूड़ियाँ वगैरह पहनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल सी बिंदी लगाई है, और रेड और वाइट जो कुमकुम आती है उसी से मैंने हल्का सा मेकअप किया है राधा का लुक देने के लिए।
बीच में मैंने सिंपल बिंदी लगाई है जो कि नॉर्मली छोटे साइज की होती है रेड कलर की, उसके चारों तरफ मैंने वाइट कलर से कुमकुम से बिंदी लगा दी है डॉट डॉट करके छोटा छोटा सा। अब वाइट कलर से इसके बीच में एक एक बिंदियाँ लगा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, बस सिंपल सा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे तो थोड़ा सा आजकल जैसे सीरियल वगैरह में चलता है बहुत ही लाइट सा मेकअप तो अच्छा लगता है राधा का लुक इस तरीके से। और कान्हा को धोते कैसे पहनाते हैं दुपट्टे से वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम कान्हा का मेकअप करते हैं तो धोती पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से सेट करें ताकि वो खुले भी ना, बच्चे परेशान भी ना हो, और बहुत इजी तरीके से पहनाई है मैंने। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो भी कैसा लगा। और इसके बाद अगर एक टिप ये भी है, अगर हमारी जो राधा है या फिर कान्हा का जब हम मेकअप करते हैं, क्योंकि उनके कान जो है छिदे हुए नहीं होते, उनमें कोई छेद वगैरह नहीं होता, तो हम लोग जो इयररिंग्स पहनाते हैं उन्हें पहनाने में समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पहनाएं, तो एक डबल साइडेड जो टेप आती है उसको मैंने यहाँ पर यूज किया है दोनों साइड से, तो ईजीली इस तरीके से हम लोग इयररिंग्स पहना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी राधा रानी क्यूट से तैयार, और गले का जो है इनका फूलों वाला हार पहना देते हैं, उसके बाद जो है दुपट्टा सेट करके हमारा राधा का मेकअप जो है रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये लुक आया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये वाला लुक आप लोग अगर आप लोग अपने बच्चों का मेकअप कर रहे हैं तो इस लुक को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा लुक आया था। ये देखिएगा राधा कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।